अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बच्चों की पिज्जा पार्टी। गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मम्मी पापा, क्या आप लोग रेडी हो गए? जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग शुरू हो गई होगी। अरे मैं तो कब से रेडी हूँ गट्टू, तुम्हारी मम्मी को देखो अभी तक रेडी नहीं हुई। जाओ चिंकी, जरा अपनी मम्मी को बोल के आओ कि जल्दी करें। ओके पापा। अरे अरे आ गई मैं, चलिए अब। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा स्कूल जाते हैं। गट्टू चिंकी, क्या लगता है कैसे मार्क्स होंगे तुम्हारे? टीचर कोई कंप्लेंट तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं नहीं पापा, हमने तो कंप्लेंट करने जैसा कोई काम ही नहीं किया, है ना चिंकी? हाँ हाँ बिल्कुल सही, और हमने पढ़ाई भी खूब की थी तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ ये तो है, इस बार गट्टू चिंकी ने खूब देर रात तक जाग के एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी। ओहो चलो तुम्हारी क्लास आ गई, अभी पता चल जाएगा सब। क्लास में गुड्डी, हरी और बंटी के पेरेंट्स भी थे। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो सर। हेलो मैम। पापा मम्मी बाकी पेरेंट्स के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम्हारे रिजल्ट्स। तुम दोनों ने यूनिट टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं, वेरी गुड। थैंक यू मैम। देखा पापा, मैंने कहा था ना। हाँ हाँ गट्टू, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी अपने बाकी फ्रेंड से बातें करने लगते हैं और मार्क्स डिस्कस करते हैं। मुझे तो साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। अरे साइंस में तो मेरे मार्क्स कम रह गए। हाँ पर इंग्लिश में मुझे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन हिंदी में मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आए हैं। बच्चों आप सबने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जहाँ भी कमी रह गई है उस सब्जेक्ट पे मेहनत करना और उसे इम्प्रूव करना। हाँ बच्चों एग्जैक्टली, बल्कि आप सबने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं कि इसके लिए आपको ट्रीट भी मिलनी चाहिए। बताओ क्या खाना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बताओ क्या खाओगे? आज तो तुम्हारी पार्टी बनती है। अंकल की बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ पार्टी, बताओ दोस्तों क्या खाया जाए? चलो चलो चाट खाने चलते हैं। नहीं नहीं चिंकी, चाट तो हम लोग अक्सर खाते हैं, चलो ना कुछ अलग खाते हैं। हाँ सही बात है गुड्डी की, आज की पार्टी स्पेशल है तो हमें भी कुछ स्पेशल खाना चाहिए। बच्चे ऐसे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें क्या खाना है और सारे पेरेंट्स उन्हें देख के मुस्कुराते हैं। फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, पिज्जा। हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ हमें पिज्जा खाना है। चलो ठीक है, सब चलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। फिर सब साथ में पिज्जा खाने जाते हैं और आराम से एक टेबल लेकर बैठ जाते हैं। बताओ बच्चों आप लोगों को कौन कौन सा पिज्जा खाना है? मुझे तो वेजिटेबल्स टॉपिंग वाला पिज्जा खाना है पापा। हाँ हाँ मैं भी वही वाला पिज्जा खाऊंगी, उसमें कॉर्न कैप्सिकम और टमेटो डलवाना पापा। ठीक है गट्टू जिंकी, और गुड्डी हरी बंटी तुम्हें कौन सा पिज्जा खाना है? अंकल मुझे चीजी पिज्जा खाना है। मैं बेल पेपर वाला स्पाइसी पिज्जा खाऊंगा। हाँ हाँ मैं भी हरी वाला ही पिज्जा खाऊंगा, वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है बच्चों मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। पापा ऑर्डर देने चले जाते हैं और पेरेंट्स और बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। मेरा और चिंकी का पिज्जा तो कितना हेल्दी होगा। हाँ टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ, हो गया ना काम हमारा। पर मेरे चीजी पिज्जा की कोई बराबरी नहीं है गट्टू चिंकी, उसका चीजी पुल देखकर मुझसे मांगना मत। था गट्टू चिंकी, हरी और बंटी सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हरी धीरे से बंटी के कान में कहता है, अरे बंटी कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी, कहीं गुड्डी का पिज्जा सबसे टेस्टी तो नहीं होने वाला? अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो हरी, हमारा पिज्जा भी बहुत टेस्टी होगा, टेंशन मत लो। थोड़ी देर में पापा सबका पिज्जा लेकर आ जाते हैं। ये लो बच्चों आप सबका पिज्जा आ गया है, गर्मा गर्म पिज्जा एंजॉय करो। वाह क्या खुशबू है, चलो बच्चों शुरू करो। लाइए मैं सबको सर्व कर देती हूँ। हाँ मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। फिर सबको पिज्जा सर्व होते हैं। कितना टेस्टी है ये पिज्जा, वाह।
वाओ, मेरा पिज्जा बहुत यम्मी है। लेकिन कुछ भी कहो, ये चीजी पिज्जा सबसे मजेदार है। गुड्डी की बात सुनकर फिर से सारे बच्चों की नजरें गुड्डी के चीजी पिज्जा पे जाती है। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? मम्मी, हमारा पिज्जा वैसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन गुड्डी का चीजी पिज्जा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, सब आपस में शेयर करके खाओ, इससे तुम्हें अपना पिज्जा भी मिलेगा और दूसरे का भी टेस्ट कर पाओगे। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर बच्चे आपस में अपने पिज्जा शेयर करते हैं और मजे से पिज्जा एंजॉय करते हैं। ये अच्छा आइडिया था मम्मी, हमें सारे पिज्जा खाने को मिल गए। ये हुई ना बात। सब बंटी की बात सुनकर एक साथ हंस पड़ते हैं। ऐसे ही सारे बच्चे मिलकर अपनी पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।